everyone this is sabihanur welcome back to our channel stage to excellence get teaching related videos milte so before starting this session let me tell you this is the last part of our topic that is project tiger before this we have already uploaded the background of project tiger we have already discussed about goals and objectives and then conservation of tigers in india and challenges faced by the government for project tiger सो दिस मच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अगर आपने नहीं देखा है सो वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा आप वहां पर जाकर देख सकते हो नाउ इन दिस पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर सो शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट डूइंग एनी फर्दर डीले नाउ द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया हैज स्टडीली इंक्रीज सो आफ्टर प्रोजेक्ट टाइगर जो टाइगर की पॉपुलेशन थी नंबर ऑफ़ टाइगर्स वो इंक्रीज हुई हम इस ग्राफ में देख सकते हैं ऑन द वेरी लेफ्ट साइड जहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है आप देख सकते हो टू थाउजेंड सिक्स टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ये ईयर्स है ओके okay? और एक्स एक्सेस पे जो कि हॉरिजोंटल लाइन है वहाँ पर आप देख सकते हो टाइगर पॉपुलेशन इट्स रिटर्न ओवर देयर ओके सो कौन से ईयर में नंबर ऑफ टाइगर्स मतलब टाइगर का पॉपुलेशन कितना था तो हमको ईयर के हिसाब से हम देख सकते हैं टाइगर का पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होता गया ठीक सो इंडिया इज नाउ होम टू ऑलमोस्ट एटी परसेंट ऑफ़ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर नाउ दिस इज़ द वेरी बिग थिंग फॉर आज व्यूअर्स बिकॉज इंडिया में ही एटी परसेंट टाइगर हमें देखने को मिलेंगे अगर हम हंड्रेड परसेंट ऑफ टाइगर की बात करें तो एटी परसेंट हमारे ही देश में है नेक्स्ट इज इन द इनिशियल ईयर ऑफ दिस प्रोजेक्ट देवर ओनली नाइन टाइगर रिज़र्व्स इन इंडिया एट प्रेजेंट देर आर 54 सच रिज़र्व्स लोकेटेड इन इंडिया नाउ अगेन दिस इज द प्लस पॉइंट फॉर दिस प्रोजेक्ट टाइगर कि जब इनिशियली इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था तब सिर्फ और सिर्फ नाइन टाइगर रिजर्व ही थे इंडिया में लेकिन अगर हम अब की बात करें तो so 54 टाइगर रिजर्व इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में लोकेटेड है So, जिस तरीके से टाइगर रिजर्व इंक्रीज हुआ है हमारे इंडिया में तो इसीलिए ही नंबर ऑफ टाइगर्स भी इंक्रीज हुए हैं बट ऑब्वियस ओके अब डिस्कस कर लेते हैं फ्यू एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस टॉपिक द वेरी फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इन इंडिया वॉज द फर्स्ट टू बी स्टैब्लिश्ड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर मतलब प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहला स्टैब्लिश होने वाला टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सा है ऑप्शन रहे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बंदीपुर टाइगर रिजर्व कान्हा टाइगर रिजर्व या फिर सुंदरबन टाइगर रिजर्व नाउ वी ऑल नो द आंसर राइट ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन दैट इज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व विच इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड बाय द वी इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व इन आर कंट्री ठीक सेकेंड इज हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया इंडिया में फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर किसे कहा जाता है ऑप्शंस रहे ये आपके सामने एम कृष्णा कैलाश संकला या वाल्मिक थापर या डी फतेह सिंह राठौर अगर आपको याद होगा तो हमने स्टार्टिंग के सेशन में डिस्कस किया था अबाउट कैलाश संकला इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से जो बात की थी इन्होंने की थी ठीक है अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर सो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द हाइस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर मतलब इंडिया में इनमें से कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा नंबर में टाइगर रिजर्व मौजूद है ऑप्शन रहिए मध्य प्रदेश कर्नाटका तमिलनाडु या राजस्थान सो द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व यही स्टेट में है ओके okay? नेक्स्ट एंड लास्ट इज वट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर यस टाइगर का साइंटिफिक नेम इनमें से क्या है ऑप्शन रहे ये पैंथेरा लियो पैंथेरा टीग्रिस कैनिस या फिर एक्नोनिस जुबातुस सो अगर हम अपना कॉमन सेंस भी यूज करें तो हमें समझ में आ जाता है दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन ओके पैंथेरा टीग्रस ऑप्शन बी सो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर क्लियर अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं दैट वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल टाइगर डे ऑन ट्वेंटी नाइन्थ जुलाई ठीक है इसको इंटरनेशनल टाइगर डे के साथ साथ ग्लोबल टाइगर डे भी कहा जाता है जो कि ट्वेंटी नाइन्थ जुलाई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और इस मकसद के साथ कि हम टाइगर कंजर्वेशन को लेके अवेयरनेस फैला सके इंपॉर्टेंस बताई जा सके कि हमें टाइगर को प्रोटेक्ट करना है उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है क्लियर सो so, ये आपको डेट याद रखनी है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन तो यहाँ होता है हमारा सेशन ख़त्म अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना कॉमेंट भी आप कर सकते हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग